आरएसएस है, उसका नाम था पहले रॉयल सीक्रेट सर्विस, ये अंग्रेजों के लिए मुखबिरी और जासूसी करती थी। नाम पर पेंशन मिलना चाहिए। देखिए हमने काम किया है, ये नौ जजों की बेंच में मुकदमा जीता हमने, ये हमने 1857 को लेकर किताब काम किया है, 152 पेज की मर्जी ने सरकार आपके लोगों के दादा का नाम फ्रीडम फाइटर में जोड़ने लगी है, इसमें आपके नाम जुड़वाइए, आप बना दीजिए अपने नाम जुड़वाइए और जल्दी ही मैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाकर के ये आपको 33 करोड़ का मुआवजा दिलवाऊंगा। केनिया को मिलने लगा है, केनिया ने 1963 में अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी, उनके 8,350 लोग मारे गए, उनको पैसा मिल रहा था, इंग्लैंड से पेंशन मिल रही थी, उन्होंने कहा हमारे 8,350 लोग नहीं है, हमारे 6,00,000 लोग मारे गए, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने आदेश दिया इनको 6,00,000 रुपए का लोगों को मुआवजा दीजिए। और भारत में तो 1857 में 4 करोड़ भारतवासियों का नरसंहार हुआ है और ये नरसंहार में शामिल है। आपको नहीं पता जो आरएसएस है उसका नाम था पहले रॉयल सीक्रेट सर्विस, ये अंग्रेजों के लिए मुखबिरी और जासूसी करती थी, ये जासूसी है, जासूसी करते थे, गद्दारी करते थे। 1925 में उसका नाम बदल दिया, रॉयल सीक्रेट सर्विस नाम रख दिया, रॉयल सीक्रेट सर्विस उसका नाम आरएसएस कर दिया। ऐसे जो कांग्रेस है, जो एयूहू नाम का कलेक्टर था, वो एयूहू ने आपको 1974 में 1857 में 74,000 लोगों की तमाम फांसी दी थी, आगरा अवध में 1 करोड़ लोगों को फांसी हुई थी। आपको समझना है, जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं समझते हैं, आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ, मैं आपको एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन को लेकर के आपको सही अधिकारों को लेकर के PIL करूंगा और आपका ये अधिकार मैं संवैधानिक तरीके से दिलवा के रहूंगा, ये मेरा वादा है। मैंने मंडल केस लीडर लड़ा है, जीता है, मैंने 1 दर्जन केस जीते हैं, आप मेरा साथ दीजिए, सिर्फ क्या क्या करना बैठ करके क्या आपको जिम्मेदारी हम दे देंगे उसको निर्वाह करिए, अगर उसका तरीके से पालन करेंगे तो हम संवैधानिक तरीके से आपका अधिकार आपके कदमों में डाल देंगे, कोई मांग तो नहीं रही है आपसे। आपको सबसे पहले आपको समझना होगा कि भारत में हमारा, हम भारतीय हैं कैसे, भारत में राष्ट्रीयता भारतीयता नाम की कोई चीज़ नहीं है, राष्ट्रीयता नाम को कोई पढ़ाया नहीं गया, आरएसएस वाले राष्ट्रीयता की बात करते हैं, जो मुखबिरी जासूसी गद्दारी करते हैं वो राष्ट्रीयता की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, भारतीयता नाम के बताइए कौन सी भारतीयता है। एयूहू नाम का कलेक्टर इटावा जिले में था, उसने 1857 में इटावा में अकेले 74,000 लोगों को फांसियाँ दी थी, किसानों को 74,000 लोग किसानों को फांसियाँ दी थी, और आगरा अवध में 1 करोड़ लोगों का कत्ल हुआ, पूरे 4 करोड़ भारतवासियों का कत्ल हुआ है, हम नहीं कह रहे, अमेरिकन टाइम्स में छपा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में है, वाशिंगटन पोस्ट में है, लेनिन मार्क्स के लेख में है, गजेटियर में है, इन सब में लिखा है कि भारत में इतना नरसंहार हुआ है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था जो भारत को अर्थव्यवस्था के आधार पर सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो अब ये भिखारी कैसे बन गया, और आखिर में संविधान लागू होने के बाद जज साहब बैठे हैं, जिला जज रह चुके हैं, हम जज साहब के सामने बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ डॉट लागू क्यों नहीं हुआ, मैं जानना चाहता हूं, अगर ये कानून लागू हो जाए एक कोई जज मिलेगा देखो काम होगा। इसलिए मित्रों आप लोग समझ लीजिए, देखिए एक माचिस में तीली होती है, जब तक माचिस के अंदर रहती है तो शांत रहती है, और जिस दिन बाहर निकाल करके इसमें चिंगारी देते हैं गांव फूंक दो, एक तीली से गांव फूंक सकते हैं, इसलिए चिंगारी कहते हैं अनर्कल, अनर्कल कहते हैं चिंगारी को, इसलिए मित्रों तुम एक अनर्कल हो केवल, तुम एक अनर्कल हो केवल, उड़कर छप्पर तक जा सकते हो, छप्पर से आगे उड़ करके अंबर में आग लगा सकते हो, अंबर में आग लगा सकते हो। मित्रों मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यहाँ कौन है जो ना डूबा हो कभी पाप कारा में, और किसके वचन नहीं भीगे हैं बैतरणी की धारा में, एक मनुज अर्जित करता है अर्थ पाप के बल से, और दूसरा उसे भोगता भाग्यवाद के फल से, और दूसरा उसे भोगता भाग्यवाद के फल से। आज हम आपके बीच में हैं,
बड़ा सौभाग्य है आज मुझे आप सुन रहे हैं। हमारे 50-60 जिलों में मेमोरेंडम जा रहे हैं। ये देखो फ्रीडम फाइटर का फार्म है, ये फार्म है, 10 जगह भर के भेजना पड़ेगा, भर के भेजिए, अपने दादा के दादा का नाम लिख के भेजिए। ये किताब मैं दे रहा हूँ, किताब में सब कुछ दिया हुआ है, सारे डेटा दे दिए जाएंगे, भर के भेजिए। हम ऐप दे देंगे फ्री, आपका ऐप ज्वाइन करिए, जिनके जिनके डेटा हमारे पास आएंगे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मैं जाऊँगा अपने सुप्रीम कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय वकीलों को लेकर के, इन भारतवासियों के बाप दादाओं के साथ इतना जुर्म अत्याचार हुआ है कि 90 साल की आज़ादी के बाद भी इतने नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। 1857 से 1947 ये जुर्म अत्याचार हुए हैं, इनको इतना मुआवजा मिलना चाहिए ला ऑफ टॉर्ट के अनुसार। टॉर्टियस ला भारत में लागू नहीं, इसलिए ला ऑफ टॉर्ट के अनुसार आपको इतना मुआवजा मिलना चाहिए। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो मैं आपकी जीत कराऊंगा। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, सिर्फ आप अपने अधिकारों को समझ लो, ये आप सबके लीगल राइट्स हैं, ये कानूनी अधिकार है मित्रों। और कानूनी अधिकार में कानूनी व्यक्ति होने के नाते मेरा प्रथम दायित्व बनता है कि कानूनी तरीके से मैं आपको आपके अधिकारों को कदमों में डालूं। मैं भी एक गांव का बच्चा हूं, आप कभी परिकल्पना करिए भारत में कोई ज्यूरिस्ट नहीं हुआ है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के 2-4-5 वकीलों को ये ज्यूरिस्ट कहते हैं, जो जजमेंट आ जाते ज्यूरिस्ट कहते हैं। आपकी समस्याओं को लेकर के जो नए नियम निकलते हैं, प्रतिपादित किए जाते हैं और उस पर कुछ शोध होकर के कुछ बनता है, वही जुरिस्ट होते हैं। लेकिन भारत में ऐसा किसी ने नहीं किया है, जज साहब बैठे हैं, बताइए भारत का किसने एक आदमी ने मैक्टम एक बनाई हो, सब रोमन चलती हैं, जज साहब गलत तो नहीं करा, सारे रोमन की मैक्टम चलती हैं। तो भारत का आदमी एक मैगजीन नहीं बना पाया जिस आधार पर केस लड़ा जाता है, और ये कहते हैं भारत के इतने बड़े बड़े विद्वान कहते हैं। इसलिए सबसे पहले आप संविधान में दिए हुए अधिकारों को समझो, अपने आप को पहचानो कि आप उन्हीं 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के औलाद हो, और आपका ये भारत है, आपके भारत में ये अधिकार है। देखिए अधिकार का मान और सम्मान है, मान के रूप में 50,000 रुपये राज्य सरकार से पेंशन मिलेगी, मैं दिलवाऊंगा, और 50,000 रुपये केंद्र से दिलवाऊंगा, और 10 करोड़ रुपये पैसा राज्य सरकार से दिलवाऊंगा, 10 करोड़ केंद्र सरकार से दिलवाऊंगा, और 10-10 करोड़ रुपये मुआवजा इंग्लैंड से दिलवाऊंगा। समय दीजिए, 1 घंटा में बता देता हूँ, ठीक है ना। मैं किसी बात से डरता नहीं हूँ, इसलिए 1 घंटा टाइम दीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ आपको कैसे मिलेगा, पैसा कहाँ से आएगा भी बताऊँगा। धन की कमी नहीं है, सिर्फ जिस तरह मैं कहूँ, मेरे भी पिता किसान थे, बहुत लोग जानते होंगे, मैं वहाँ छोड़कर आज सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा हूँ। अगर सब कुछ सही होता, मैं 88 में फाइटर पायलट में सेलेक्ट हुआ था, 88 में फाइटर पायलट में सेलेक्ट हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का था कि मित्रों उसी में मुझे 3 किडनी आई, और 3 किडनी में मेरी 2 किडनी निकाल ली गई, 1 किडनी में 88 से जिंदा हूँ। 88 में डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी जिंदगी 3 महीने या 6 महीने है, 3 महीने या 6 महीने है, लेकिन मित्रों आज भी मैं आपका 88 से आज तक जिंदा हूँ, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ। और हमारी बेटी मेजर है, यहीं पर आ रहा हॉस्पिटल में, सेना में डॉक्टर है, मेडिसिन में कर रही है, हमारी पत्नी यहाँ डायरेक्टर है भारत सरकार में, हमको भी पेंशन मिलती है, जितनी पेंशन मिलती है मैं सेवा में दान देता हूँ, सेवा अलग से करता हूँ, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमें प्रिय है आप सब लोग। देखिए वही खून मात हरी हड्डी माँ से आप बने हो, उसी से हम बने हैं, आपका भी मरेंगे इसी मिट्टी मिलेंगे, आप भी मरेंगे, वही हवा आप देते वही हम मिलेंगे, काटेंगे वही खून हमें निकला कोई आप निकलेगा, हमें आप में कोई भेदभाव नहीं है, भेद नहीं होना चाहिए। आपका अधिकार कैसे मिले ये देखो, लक्ष्य मैं स्थापित कर दूंगा, तरीका समझ लीजिए, आपका अगर मेरा साथ दें तो 2027 में मैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के तक मैं आपके पेंशन लागू करवा दूंगा 27 तक, और अगर मेरा साथ देगा तो दिल्ली में भी 50,000 लागू करवा दूंगा 2029 में। ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इन लोगों की तो गद्दारी थी, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे। देखिए अंग्रेजों ने के लिए जो लड़े हैं उनके नाम पे युद्ध स्मारक बने हैं, और जो भारत के लिए लड़े उनके पास सूची तक नहीं है, इनके पास इतने निकम्मे लोग हैं ये लोग। आपके दादा पर दादाओं का कत्ल हुआ है, आगरा अवध जयपुर प्रांत में 1,25,000 गांव को चलाया गया था, लूटा गया था, उजाड़ा था, दो पोछ नच किया। इसलिए मित्रों ये तुमने नहीं चाहा, तुमने नहीं चाहा, वरना हालात बदल सकते थे,
तुमने नहीं चाहा, वरना हालात बदल सकते थे। मेरे ये आंसू तुम्हारे भी हो सकते थे, मेरे ये आंसू तुम्हारे भी हो सकते थे। तुम झीले बनकर ठहरे रहे, एक जगह दरिया बनते तो मंजिल तक पहुंच सकते थे।